तो भाई लोनावाला में 1500 साल पुराना मंदिर है और अंदर जाके गूज बम आ गए बिकॉज यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज भी आके गए थे वॉट्सअप गाइज दिस इज मे वन सेकेंड बैक फ्रॉम द फ्रामोबल ब्लॉक ये वाला वीडियो बहुत ही स्पेशल है बिकॉज ऐसी जगह लाइफ में मैंने पहली बार देखी थी एंड आई वॉज लिटरली शॉकड इस ऐतिहासिक मंदिर का नाम है वागेश्वर मंदिर और ये जगह पावना डैम के बैक वाटर्स के साइड में है काफ़ी सारा स्ट्रगल किया इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आसपास के लोगों को पूछा हम लोगों ने क्योंकि गूगल मैप्स भी धोखा दे रहा था हम लोगों को आई एम श्योर सौ में से एटी परसेंट लोगों को इस मंदिर के बारे में पता नहीं होगा बिकॉज अगर पता होता तो आज ये मंदिर गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में डेफिनेटली होता लोनावला में पावना लेक फेसिंग एक कैंपिंग साइट है जिसका नाम है मूनस्टोन हैमोक वहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया था और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम यहीं चले गए थे मंदिर में मूनस्टोन हैमो कैंपसाइट का वीडियो भी लाइव है अगर आपने मिस किया है तो वो भी जाके देख लो अगर आप नेक्स्ट टाइम लोनावला जा रहे हो तो ये वीडियो को डेफिनेटली सेव कर लो एंड मेक श्योर यू विजिट दिस प्लेस मुंबई से ये मंदिर 150 किलोमीटर दूर है और पुणे से 50 किलोमीटर दूर है वह यहाँ पे गूगल मैप्स ने फिर से धोखा दे दिया और वापस हम लोगों ने लोकल्स की मदद की और एक्जैक्टली हम बस फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँच ही रहे थे बागेश्वर मंदिर की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मंदिर सिर्फ साल के दो महीने खुले रहता है बाकी के दस महीने ये मंदिर पानी में रहता है क्योंकि पावना डैम का पानी भी छूटता है और बारिश भी रहता है तो ये जो आप सामने जो एरिया देख रहे हो पूरा पानी से भर जाता है तो भाई लोनावला में 1500 साल पुराना मंदिर है और अंदर जाके गूज बम्स आ गए बिकॉज यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज भी आके गए थे तो ये मंदिर पावना डैम से कनेक्टेड है आप देख सकते हो चारों तरफ पानी है एंड यहाँ पे पूरा ग्रीनरी है और ये जो देख रहे हैं ये स्तंभ है यहाँ पे एंड यहाँ पे ये पानी की वजह से पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है और एक चौंकाने वाली बात यह है कि 1259 से लेके 1274 यानी कि राजा हिमाद्री पंडित के टाइम का ये मंदिर है और उसी टाइम पर यह डिस्कवर हुआ था तो कहानी कुछ ऐसी थी कि गाँव का एक शख्स है वो काफ़ी सारी गायों को यहाँ पर पानी पिलाने लाया करता था उसमें से एक गाय कुछ कदम आगे चल के अपना दूध वहीं पे छोड़ देती थी ये दूध छोड़ने वाला किस्सा रोज़ होता था और गांव वालों को एक दिन शक हो गया जहाँ पर हर रोज़ वो गाय दूध छोड़ती थी गाँव वाले वहीं पर पहुँच गए और नीचे देखा गाँव वालों ने तो पता चला वहाँ पर एक बहुत बड़ा शिवलिंग है उसी दिन बागेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था अंदर जाके पता चला कि हेमड़पंथी के ज़माने का जो मंदिर है वो बहुत ही अलग तरीके से बनाया गया था जो उस ज़माने में जो बेस था जो फाउंडेशन था बहुत ही मज़बूत था मतलब आज के ज़माने में जो चूना लगा के बांधते हैं बिल्डर लोग वैसा कुछ भी नहीं था उस जमाने में जो बांधा था जो पत्थर था जो जॉइंट्स किए गए थे एग्जैक्टली exactly, मतलब इक्वल मेजरमेंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करके बनाया गया था भाई इतने मजबूत काले पत्थर और इतना मतलब बोले तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है जो साल के दस महीने पानी में रहकर भी इतना स्ट्रांग मंदिर मैंने आज तक तो नहीं देखा है भाई यहाँ पे कासव है पार्वती जी की मूर्ति है शिवलिंग है गणपति बापा की भी मूर्ति है और नंदी भी है जिसे शिव जी का वाहन माना जाता है मुझे इस मंदिर से लिटरली काफ़ी लगाव आ गया था बिकॉज़ यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था और ऑनेस्टली साठ सत्तर साल पहले यहाँ पे, पे आसपास जो कुछ भी बना था सब कुछ डूब गया था सिर्फ ये मंदिर टिका था मतलब सोचो आप ये कितना मजबूत है मतलब यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ अलग सा वाइब महसूस होगा अगर आप आना चाहते हो यहाँ पे दर्शन करने के लिए तो अप्रैल और मई में, में आप आ सकते हो उसके बाद मत आना बिकॉज़ ये पूरा पानी के अंदर ढक जाता है यानी कि कवर हो जाता है मंदिर पानी के अंदर चला जाता है और काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि ये एक पूर्ति मंदिर है यहाँ पे आने के बाद आपकी कोई भी मान्यता होगी वो पूरी हो जाएगी यहाँ पे आसपास भी घूमने जैसी बहुत सारे जगह हैं यानी कि तिकोना फोर्ट है लोहागढ़ फोर्ट है तो आप वो हिसाब से आपका पूरा डे प्लान कर सकते हो 1994 के बाद ऑफिशियली ये मंदिर ट्रस्ट यहाँ के लोकल्स और गाँव वाले संभालते हैं जैसे ही मार्च अप्रैल के बाद ये मंदिर पानी के ऊपर आ जाता है यानी कि जब खुल जाता है दर्शन के लिए तो सबसे पहले यहाँ के लोकल्स जो है यहाँ के गांव वाले मंदिर को साफ करते हैं और एक बड़ी सी पूजा रखते हैं उसके बाद इट इज़ ओपन फॉर पब्लिक फॉर टू मंथ्स बागेश्वर मंदिर डेफिनेटली यूनिक है और मेरे दिल में अलग जगह बना ली है इस मंदिर ने बिकॉज लिटरली ऐसी स्टोरी और ऐसी चीज़ें मैंने कभी नहीं सुनी थी लाइफ में आई होप यू गैस शेयर दिस वीडियो बिकॉज़ लोगों को पता चलना चाहिए कि ऐसी चीज़ें भी है महाराष्ट्र में अपने इंडिया में जो बहुत लोगों को नहीं पता है और अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई अपने धर्म में कुछ ऐसा है जो हमको भी पता नहीं है मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे अगर आप बागेश्वर मंदिर जा रहे हो फ्यूचर में तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो ताकि लोगों को पता चले और लोगों तक पहुँचे और आई विश गवर्नमेंट को भी पता चले तो गवर्नमेंट अगर मेंटेन करेगी तो मंदिर की हालत और ज़्यादा सुधर सकती है और मतलब ज्यादा दे कैन मेंटेन इट वेरी वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक एंड कमेंट अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा एंड जो लोग नए हैं प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो थैंक यू सो मच वंस अगेन मैनी मोर वीडियोज कमिंग ओन सिया